नाज़रीन, बॉलीवुड की दुनिया अगर आपको भी हसीन और खूबसूरत और शोहरत भरी नज़र आती है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम एक्सपोज करने वाले हैं बॉलीवुड की छुपी उस सच्चाई को जिसे आप और हम आज तक अनजान रहे होंगे। बॉलीवुड की खवातीन को फिल्मों में काम करने के लिए बशर्त क्या क्या करना पड़ता है, इस बात को लेकर आज से पहले आपको कोई गुमान भी नहीं हुआ होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल शानली टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक निजी इंटरव्यू में अदाकारा राधिका से उसकी ज़िंदगी के सबसे शर्मनाक और घटिया ऑडिशन के बारे में सवाल किया गया तो अदाकारा राधिका ने एक नहायत चौंका देने वाला जवाब दिया कि फिल्म देवड़ी के ऑडिशन के बाद फिल्म में रोल हासिल करने के लिए मुझे पहले फ़ोन सेक्स करना पड़ा था। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आई तो उस अदाकारा को लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही यह खबर कई दिनों तक सोशल मीडिया की जीनत बनी रही। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ और क्वीन अदाकारा कंगना रानौत ने भी एक निजी टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में इस बात को काबिल कबूल किया है कि फिल्म तनु वेड्स मनु में रोल हासिल करने के लिए बशर्त इन्हें एक रात हमबिस्तरी की मांग की गई थी और इन्होंने शर्म के सारे पर्दे गिरा कर इस शर्त को एक अंजाम तक रसाया, जिसके बाद इन्हें फिल्म तनु वेड्स मनु में एक अदाकारी का मौका मिला था। उसके बाद इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितनी भी बड़ी से बड़ी बॉलीवुड की अदाकाराएं आप देखते हैं उन सबको कभी न कभी इस शर्मनाक रास्तों से जरूर गुजरना पड़ा होगा। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों की जानी पहचानी शख्सियतें संभावना सेठ और डिस्का चोपड़ा, इन दोनों सेलिब्रिटीज ने तो यहाँ तक बता दिया कि फिल्म कास्टिंग का एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है जिसमें मर्द हो या औरत उससे होकर ही गुजरना पड़ता है। यानी इन दोनों ने काबिले कबूल किया है कि ये दोनों भी इन रास्तों से गुजर चुकी हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ और आइटम गर्ल राखी सावंत का कहना है कि शुरुआती दौर में सिर्फ खवातीन ही इसका शिकार हुआ करती थी, लेकिन अब मर्द हजरात को भी इस शर्मनाक शर्तों को उबूर करके आगे आने दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ शर्मनाक हकायक और शर्मनाक चेहरे जिनकी बातें आज हमने आपको बताई। आप इस चीज को इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, इस बात का सबूत आपको आसानी से मौसूल हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से कुछ और मालूमात अगर है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और शान अली टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।